गाइज आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने आ गए एनवीडिया जीफोर्स जीटी 730 एलपी जीपीयू का, जो कि होता है हमारा ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। तो गाइज आप लोगों को इसको ग्राफिक कार्ड के नाम से भी जानते होंगे, तो ग्राफिक कार्ड ही है ये। और भाई इसमें हमें मिल जाती है DDR3 4GB रैम, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और इसकी रैम की स्पीड आप लोगों को मिल जाती है 1333 MHz, जो कि हमारे लिए बहुत है, क्योंकि हम लोग लगाने जा रहे हैं इसको अपने HP LightDesk 705 Gen 1 SSF सीपीयू में, जो कि हमने मंगाया था Amazon से, जो कि हमारा एक रिफर्बिश सीपीयू है, जिसकी वीडियो मैं पहले भी डाल चुका हूँ। इसकी वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो बहुत लोगों के कमेंट भी आते हैं कि कौन सा जीपीयू हम इसमें लगा सकते हैं, तो भाई ये आप लोग उसमें लगा सकते हैं। अब हम लोग इसकी परफॉर्मेंस टेस्टिंग करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि ये कितना बढ़िया काम करता है। तो इसके अब हम टफ गेमिंग टेस्टिंग करेंगे, तो पहले हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो फिर कुछ इस तरीके का आप लोगों को इसका बॉक्स मिल जाता है। तो फिर इसके बॉक्स के आगे आप लोगों को जीफोर्स लिखा मिलता है, साइड में आप लोगों को इसमें लिखा मिल जाता है 4GB रैम, आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो चलिए अब इसके बॉक्स को हम लोग खोल देते हैं। तो गाइस इसके बॉक्स को खोलने के बाद सबसे ऊपर हमें मिल जाता है हमारा ग्राफिक कार्ड, जो कि इस तरीके की कुछ पैकेजिंग में आता है। तो इसको हम लोग साइड में रख देते हैं। तो नीचे की साइड यहां पे आप लोगों को इसकी CD मिल जाती है, और ये आप लोगों को इसका एक और अटैचमेंट इसके नीचे मिल जाता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, इसका ये आप लोगों को एक और अटैचमेंट मिल जाता है। ये दो अटैचमेंट है इसके, तो ये इस तरीके के मिलते हैं आप लोगों को। तो चलिए चलते हैं हम अपने ग्राफिक कार्ड की तरफ। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में ये आया है हमारा ग्राफिक कार्ड, तो इसे हम खोल लेते हैं। तो गाइस इसे खोलने के बाद आप लोग इसकी क्वालिटी अंदर देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का है ये ग्राफिक कार्ड हमारा। इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। तो भाई क्या कर्रा लग रहा है ये ग्राफिक कार्ड गाइस। तो इसमें आप लोगों को एक ही कूलिंग फैन मिलता है, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये आप लोगों को 2500 की रेंज में मिलता है। तो इसमें आप लोगों को एक ही कूलिंग फैन मिलेगा, और आप लोग इसे पीछे से देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आप लोगों को इसका बैक मिल जाता है, और इसमें आप लोगों को VGA पोर्ट जो है वो रिमूवेबल मिलता है। आप लोगों को इसमें तीन टाइप के पोर्ट मिल जाते हैं, VGA पोर्ट, HDMI पोर्ट और DVI पोर्ट। तो फिर चलिए अब हम लोग इसको अपने CPU में इंस्टॉल करने चलते हैं। तो भाई अब हमें इसके ऊपर की जो स्टील की प्लेट है वो रिमूव करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो CPU का पोर्ट है वो छोटा है, तो हमें इस पे छोटी वाली प्लेट जो है वो ऊपर इसके लगानी पड़ेगी। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे लग जाएगी। तो हमने इसके ऊपर के जो स्क्रू हैं उन्हें खोल लेंगे बहुत आराम से, ताकि आप लोग इस पे अपना दूसरा पोर्ट लगा सकें। तो स्क्रू खोलने के बाद आप लोगों को इस पे अपना दूसरा पोर्ट लगा देना है, और उसे लगाने के बाद आप लोगों को उसके स्क्रू यहाँ पे टाइट कर देने हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों को कुछ इस टाइप से दो पोर्ट निकल के आ जाएंगे, और VGA पोर्ट को आप लोगों को अलग कर देना है, और यहाँ पे आप लोगों को अपना जो तीसरा पोर्ट है, मतलब जो आपने अलग से जो प्लेट मिली आपको स्टील की, वो यहाँ पर आप लोगों को इस पे लगा देनी है, और इसके स्क्रू आप लोगों को बढ़िया करके यहाँ पे टाइट कर देनी है, ताकि ये निकल ना जाए यहाँ से। इसको लगाने के बाद अब हम लोग चलते हैं अपने CPU में इस पोर्ट को इंस्टॉल करने की तरफ। तो भाई यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, नीचे यहाँ पे हमारे ग्राफिक कार्ड है, और आगे जो स्लॉट है इसको निकालने वाला वो बंद है। तो आप लोगों को इसका जो लॉक मिलता है इस तरीके से खोल देना है हमारे CPU का, और ये आप लोगों को इसके आगे स्टील की जो प्लेट है उसे निकाल देना है। तो यहाँ पे हमारा एक होल बन जाएगा अपने ग्राफिक कार्ड को लगाने के लिए। तो ये हमारे CPU में मिलता है, आपके CPU में किसी और तरीके से हो सकता है, जैसे कि स्क्रू लगे हो सकते हैं इसको निकालने के लिए। तो मेरे में लॉक सिस्टम था, तो मैंने वैसे निकाल लिया। उसके बाद आप लोगों को अपने ग्राफिक कार्ड को आराम से इसमें लगा देना है। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे फिट हो जाएगा, और आगे को आप लोगों को इससे लॉक वापस कर देना है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे दो पोर्ट सामने आ चुके हैं, और नीचे यहाँ पे इसका लॉक भी अच्छे से लॉक हो चुका है गाइस। तो फिर ग्राफिक कार्ड के HDMI पोर्ट में मॉनिटर की HDMI केबल लगा के हमने यहाँ पे अपना मॉनिटर स्टार्ट कर लिया है। तो फिर चलिए अब हम लोग करते हैं इसकी टफ गेमिंग टेस्ट। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके ग्राफिक ड्राइवर्स इंस्टॉल करना बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग इस पे पहले GTA 5 चला के दिखाएंगे, फिर वैलोरेंट चलाएंगे, फिर और गेम्स आप लोगों को यहाँ पे चला के दिखाएंगे, और FPS भी दिखाएंगे कि कितने आ रहे हैं। तो चलिए पहले ग्राफिक ड्राइवर्स को देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें इसमें इंस्टॉल करना है गाइस। तो फिर सबसे पहले यहाँ पे मैं आप लोगों को ग्राफिक ड्राइवर्स डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। तो आप लोगों को चले जाना है अपने CPU के क्रोम में, और आप लोगों को क्रोम में जाके यहाँ पे सर्च करना होगा NVIDIA GeForce ग्राफिक ड्राइवर्स। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने सर्च कर रखा है NVIDIA GeForce GT 730 LP ड्राइवर। तो यहाँ पे आप लोगों को क्लिक कर देना है, और उसके बाद आप लोगों को सबसे ऊपर यहाँ पे इसके ड्राइवर मिल जाएंगे, उस पर क्लिक करके यहाँ पे आप लोगों को डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। तो इससे यहाँ पे इसके ड्राइवर जो है वो डाउनलोड हो जाएंगे। तो मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखे हैं, इसलिए मैं आप लोगों को डाउनलोड करके नहीं दिखा रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ पे आप लोगों को डिवाइस मैनेजर में जाकर दिखा देता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे ड्राइवर है पहले से ही। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ डिवाइस मैनेजर। तो डिवाइस मैनेजर में आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे डिस्प्ले अडॉप्टर्स यहाँ पर है। तो आप लोगों को नहीं भी दिख रहा हो तो मैं बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिख के आ चुका है NVIDIA GeForce GT 730। तो फिर यहाँ पे हमारे ड्राइवर्स इंस्टॉल हो चुके हैं। तो अब मैं ऐसे कर देता हूँ बैक। तो अब मैं आप लोगों को पहले यहाँ पे डिस्प्ले पे जाकर दिखा देता हूँ कि हमारे ड्राइवर्स कितने GB के यहाँ पे आ चुके हैं। डिस्प्ले पे आने के बाद आप लोगों को चले जाना है एडवांस डिस्प्ले सेटिंग पे, और इस पे जाने के बाद यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा डिस्प्ले अडैप्टर प्रॉपर्टीज। तो इस पे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा आ चुका है NVIDIA GeForce GT 730, और नीचे यहाँ पे आप लोगों को डेडिकेटेड वीडियो मेमोरी दिख जाएगी 4GB की। तो गाइज यहाँ पे हमारा ये GPU आ चुका है, और यहाँ पे आप लोगों को इसका कंट्रोल पैनल मिल जाएगा, NVIDIA कंट्रोल पैनल। इस पे मैं जाऊँगा तो यहाँ पे आप लोगों को सारी GPU की सेटिंग्स मिल जाएंगी। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग मिल जाएंगी, ओवरक्लॉकिंग से लेकर हर चीज़ की यहाँ पे आप लोगों को सेटिंग मिल जाएगी। तो यहाँ से आप लोग अपने GPU को सेट कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे आप लोगों को GTA 5 वगैरह चलाकर दिखाता हूँ।
तो इस टाइप की यहाँ पे आपको सेटिंग मिल जाएंगी, तो इनसे आप लोग अपनी सेटिंग को परफॉर्मेंस को एनहेंस कर सकते हैं। तो मैं ये कर चुका हूँ, सब एनहेंस मैंने कर ली अपनी परफॉर्मेंस यहाँ पे सेटिंग करके। तो अब मैं यहाँ पे आप लोगों को GTA 5 चलाकर दिखा देता हूँ सबसे पहले। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा GTA 5 ऑन हो चुका है। यहाँ पे स्मूथनेस में बताऊँ तो काफी स्मूथ चल रहा है गेम मेरा पहले से। तो पहले भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे GTA 5 चला के दिखाया था, तो यहाँ पे 15-20 FPS के आसपास आते थे, और भी मतलब उससे थोड़े से ज्यादा आ जाते होंगे 22 FPS तक, उससे ज्यादा FPS यहाँ पे नहीं आते थे। तो अब हम यहाँ पे आप लोगों को FPS टेस्टिंग करा के दिखाएंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे गाड़ी वाड़ी चला कर दिखा देता हूँ थोड़ी सी। गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम कार चला रहे हैं, कार चलाने में भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, जरा सा भी फ्रेम ड्रॉप नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैं टक्कर मार के भी आप लोगों को पहले दिखा देता हूँ, तो भाई बिल्कुल फ्रेम ड्रॉप नहीं है, बिल्कुल भी किसी तरीके की यहाँ पे दिक्कत नहीं है हमें गेम खेलने में। तो यहाँ पे हम FPS टेस्टिंग यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइज यहाँ पे FPS टेस्टिंग स्टार्ट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारे आ रहे हैं 33-34 के आसपास यहाँ पे हमारे FPS आ रहे हैं। तो इसे मैं बैक कर देता हूँ। तो गाइज ये गेम चल रहा है इस समय हमारा हाई ग्राफिक्स पे, तो इस समय हम लोग हाई ग्राफिक्स पे इस गेम को प्ले कर रहे थे। भाई अभी ये गेम हमारा चल रहा है हाई ग्राफिक्स पे, तो आप लोग देख सकते हैं हाई ग्राफिक्स पे हमारा गेम चल रहा है। गेम की आप लोग क्वालिटी देख सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे 30 FPS के पास यहाँ पे हमारा जो एवरेज आ रहा है वो है। तो गाइज पहले हम लोग इसे लो पे चलाते थे तब 20 के आसपास आते थे, और यहाँ पे हाई पे इस समय आ रहे हैं। तो अब मैं इसकी जो सारी सेटिंग्स है वो बिल्कुल लो कर देता हूँ। तो गाइज यहाँ पे मैंने इसकी सारी सेटिंग बिल्कुल लो कर दी है। तो अब मैं यहाँ पे आप लोगों को इसकी जो टेस्टिंग है वो करके दिखाता हूँ, FPS टेस्टिंग। तो अब आप लोग इसका FPS टेस्टिंग देख सकते हैं, यहाँ पे हमें मिल रहे हैं 56 से 40 के आसपास, मतलब 50 यहाँ पे हमें कांस्टेंट FPS मिल रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो इसको भी हमें बैक कर देता हूँ। गाइज गेम में तो हमें बहुत ही बढ़िया बूस्ट देखने को मिला है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं पहले हमें बहुत कम FPS मिलते थे इस गेम में बिना ग्राफिक कार्ड के। बहुत ही स्मूथ हमारा गेम चल रहा है, और लो पे आप लोगों को यहाँ पे 50 कांस्टेंट FPS मिल रहा है, और हाई पे आप लोग इसे 30 FPS पे खेल सकते हैं इस गेम को। तो बहुत ही बढ़िया आप लोगों को ये मिल जाता है। तो अब हम लोग आपको इसमें वैलोरेंट चलाकर दिखाते हैं। गाइज तो फिर यहाँ पे हमारा जो वैलोरेंट है वो ऑन हो चुका है, और यहाँ पे अगर मैं पुराने अपने FPS की बात करूँ तो यहाँ पे हमारे आते थे 40-60 FPS के बीच में, और अभी के मैं FPS की बात करूँ तो अभी हमारे पास आ रहे हैं यहाँ पे 130 FPS। गाइज बहुत ही खतरनाक बूस्ट है भाई, वैलोरेंट में हमारा बहुत ही तगड़ा बूस्ट आया, और आप स्मूथनेस भी देख सकते हैं गेम की, बहुत स्मूथ चल रहा है गेम हमारा। और अगर मैं बाहर जा रहा हूँ तो मैक्स टू मैक्स हमारे कितने कम FPS आ रहे हैं वो भी बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे हमारे सबसे कम जो FPS आ रहे हैं वो आ रहे हैं 100 FPS, भाई बहुत ज्यादा FPS आ रहे हैं हमारे वैलोरेंट में। तो गाइज पहले से बहुत ज्यादा बूस्ट देखने को मिला, और अगर मैं यहाँ पे अंदर चला जाऊँ तो यहाँ कितने आ रहे हैं गाइज, यहाँ अंदर जाने के बाद हमारे पास आ जा रहे हैं 150 FPS, और दीवार के पास बिल्कुल खड़ा हो जाऊँ मैं तो हमारे पास 170 FPS आ रहे हैं मैक्स टू मैक्स। तो गाइज बहुत ही कर रहा है हमारा ये चल रहा है गेम। तो ये आप लोग देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये, आप ग्राफिक कार्ड लगा के बहुत ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को। तो यहाँ पे आप लोग गेम में ही मेरे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा स्मूथ चलने लगा ये गेम, और पिछला आप लोग गेम प्ले भी देख सकते हैं कि कैसा चलता था ये। तो अब मैं इसके आप लोगों को ग्राफिक्स बढ़ा के दिखाता हूँ। तो अब ये चल रहा था हमारे सबसे लोएस्ट ग्राफिक्स पे, तो अब मैं यहाँ पे ग्राफिक्स बढ़ा के दिखाता हूँ। पहले लो ग्राफिक्स में हमारे 40-60 आते थे, हाई पे तो चलते नहीं था। तो गाइस हम मीडियम कर लेते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें, और वीसिंग यहाँ पे हम ऑफ रखेंगे क्योंकि ये हमारे जो FPS है उन्हें ब्लॉक करता है। वीसिंग ऑफ करके हमने यहाँ पे मीडियम सेटिंग कर ली है गेम की, और मीडियम पे जो हमारे FPS आ रहे हैं वो आ रहे हैं हमारे 100। गाइज 100 FPS आ रहे हैं अभी भी हमारे इसके अंदर। तो बाहर चल के देखते हैं, तो गाइज बाहर जाने के बाद हमारे FPS 80 तक गिर जा रहे हैं, और सबसे जो लोएस्ट जा रहे हैं वो हमारे 70 FPS जा रहे हैं इस गेम में। मतलब मीडियम ग्राफिक्स पे हमारे सबसे लोएस्ट ग्राफिक्स जा रहे हैं वो मीडियम जा रहे हैं। तो अब मैं और ग्राफिक्स बढ़ा के देखता हूँ। गाइज यहाँ पे मैंने अपनी पूरी ग्राफिक सेटिंग हाई पे सेट कर दी, और आप लोग देख सकते हैं अब तो गेम का एकदम लुक ही बदल गया, एक एक दीवार के आपको क्रैक्स भी दिखाई दे जाएंगे। तो गाइज यहाँ पे अगर मैं अब FPS की बात करूँ तो अंदर की साइड हमारे FPS आ रहे हैं 70। तो गाइज यहाँ पे हमारे मैक्स FPS 80 आ रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं अभी मेरे 80 FPS आ रहे हैं। तो यहाँ पे 130 FPS आ रहे थे लोएस्ट पे, और मीडियम पे 100। और बाहर जाने के अगर मैं गेम खेलूँ तो फिर मैं यहाँ पे बाहर जाके फायरिंग करके देखता हूँ। तो गाइज बाहर जाके मेरे आ रहे हैं 57 FPS, लोएस्ट यहाँ पे 57 FPS आ रहे हैं, और 57 से नीचे यहाँ पे नहीं जा रहे हैं। और अगर मैं इस गुफा में चला जाऊँ तो कितने आ रहे हैं गाइज यहाँ पे, तो यहाँ पर आने के बाद हमारे 90 FPS आ पा रहे हैं बड़ी मुश्किल से। तो गाइज इस पे हमारे FPS थोड़े से कम चल रहे हैं, तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप मीडियम पे गेम खेल सकते हैं इस पर, और हाई पे भी खेल सकते हैं, 60 FPS कम नहीं होते हैं, लेकिन हाई पे आप लोगों को इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा जो आपको मीडियम पे आएगा। तो इसको आप मीडियम पे करके बहुत बढ़िया गेम प्ले यहाँ से ले सकते हैं इस गेम में। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट गेम की तरफ। गाइज यहाँ पे हमने स्टार्ट कर लिया है रॉकेट लीग, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रॉकेट लीग में भी बहुत तगड़ी हमारी स्मूथनेस आ रही है, और यहाँ पे मैं बॉल को भी अच्छे से हिट कर पा रहा हूँ। तो गाइज बहुत ही बढ़िया यहाँ पे आप लोगों को स्मूथनेस देखने को मिल जाएगी, पूरा हमारा बढ़िया से चल रहा है यहाँ पे हमारी कार, आप लोग देख सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से अभी लोएस्ट ग्राफिक्स होंगे, तो अभी मैं ग्राफिक्स बढ़ा के देखता हूँ। तो यहाँ पे भी मज़ा आ रहा है इस गेम को खेलने में, तो अब हम इसके ग्राफिक्स बढ़ाते हैं। और गाइज यहाँ पे मैं इसे परफॉर्मेंस से हटा के सबको मैं कर देता हूँ हाई क्वालिटी पे सेट, फिर देखते हैं हम लोग ये गेम हमारा लैग होता है या नहीं होता है। वैसे तो ये पहले लैग होता था बहुत ज़्यादा। गाइज यहाँ पर मैंने सारी सेटिंग्स की जो है वो मैंने हाई परफॉर्मेंस पे सेट कर दी है, तो अब मैं इसे बैक कर देता हूँ।
अब हम लोग देखते हैं कि भाई क्या हमारा कैसा आता है, हाई परफॉर्मेंस नहीं यहाँ पे मैंने हाई ग्राफिक्स, तो गाइज यहाँ पे बिल्कुल भी लैग नहीं है गाइज, एक बूंद भी लैग नहीं है हमारे गेम में। आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल भी हमारा गेम यहाँ पे लैग नहीं कर रहा है, बिल्कुल स्मूथ हमारा गेम यहाँ पर चल रहा है। और मैं अगर बॉल पे हिट करके देखूं तो बॉल तो मुझसे हिट होने से रही क्योंकि ये गेम मैं खेलता नहीं हूँ। तो गाइज यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बहुत स्मूथ चल रहा है, और ग्राफिक्स बढ़ा के देखते हैं गाइज। अभी रेजोल्यूशन हमारे कम थे, अब रेजोल्यूशन बढ़ा के देखते हैं इस गेम के हम। अब हम इसे अप्लाई कर देते हैं गेम पे, तो स्क्रीन यहाँ पे हमारी ऑफ हो गई है क्योंकि हमारी सेटिंग अप्लाई हो रही है। तो यहाँ पे ग्राफिक्स और ज्यादा हमने बढ़ा लिए इस गेम के, अब देखते हैं, मेरे ख्याल से लैग होना चाहिए गाइज। मेरे ख्याल से इस समय अभी हमारे जो FPS है उसमें थोड़ा तो अंतर आया है, थोड़ा नहीं काफी अंतर आया मेरे ख्याल से। अभी भी गेम हमारा चलते स्मूथ रहा है लेकिन थोड़ा सा हमें अंतर यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे मुझे FPS जो है वो थोड़े कम लग रहे हैं, अब मुझे यहाँ पे थोड़े FPS कम तो लग रहे हैं लेकिन गेम की स्मूथनेस में कोई कमी नहीं है। थोड़ा सा FPS की कमी की वजह से यहाँ पे मुझे स्मूथनेस कम तो लग रही है लेकिन गेम में मजा बहुत आ रहा है गाइस। तो यहाँ पे हमारे ग्राफिक कार्ड से गेम हाई पे एकदम रन कर पा रहा है। पहले जब मैं इसे हाई, बिल्कुल हाई परफॉर्मेंस पे जब सेट करता था तो ये गेम चलता ही नहीं था, बिल्कुल स्क्रीन लैग हो जाती थी, लेकिन अब ये गेम हमारा हाई परफॉर्मेंस पे बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है, बिल्कुल हाई क्वालिटी पे सब। तो पहले हमने इसे परफॉर्मेंस पे सेट कर रखा था, अब ये सिर्फ क्वालिटी पे सेट है, परफॉर्मेंस तो हमने बिल्कुल ही हटा दिया यहाँ से, तब भी ये गेम एकदम मस्त चल रहा है। तो गाइज लास्ट में हम एक और गेम यहाँ पे आपको चला के दिखाते हैं। गाइज लास्ट में चला लिया है हमने इस पे फॉल गाइज, तो लास्ट टाइम का अगर आपको वीडियो याद हो तो फिर ये गेम हमारा बहुत ज्यादा टकरा था इस CPU पे, तो लास्ट टाइम की वीडियो में आपने ये देखा होगा। तो यहाँ पे मैं इसे चला कर देखता हूँ भाई कि ये चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। तो गाइज ये गेम अभी भी लैग कर रहा है भाई, इसमें कुछ और ही दिक्कत है, मुझे लगा अब तो ये चल जाना चाहिए, और वैसे भी मेरे ख्याल से चल तो रहा है लेकिन गाइज ये अभी भी लैग कर रहा है। हो सकता है इसकी मैंने क्वालिटी हाई कर रखी हो, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ दोबारा। गाइज इसकी क्वालिटी सब लो पे सेट है तब भी ये गेम अभी भी नहीं चल पा रहा है गाइज, इसके मुझे लग रहा है इसकी कोई डाउनलोड में दिक्कत थी तभी ये स्टार्टिंग से अभी तक बिल्कुल नहीं चल पा रहा, क्योंकि सबसे हल्का गेम है हमारे CPU का, तब भी ये किसी चीज में नहीं चल पाता है। ग्राफिक कार्ड लगा दिया उसके बाद भी उतना लैग हो रहा है जितना पहले लैग होता था, तो भाई इसके गेम में दिक्कत है। तो ये मैं आपको चलाकर नहीं दिखाऊंगा, फॉल गाइज मैंने जो डाउनलोड कराया इसमें लग रहा है कोई दिक्कत है। तो गाइस मैं बैक कर देता हूँ, देख सकते हैं आप सब यहाँ पे लो पे सेट है, हाफ रेजोल्यूशन लो 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 सब लो पे सेट है यहाँ पे, तब भी हमारा ये गेम नहीं चल रहा है। तो गाइस ये गेम बेकार है, हम इसे आपको खेल कर नहीं दिखाएंगे। तो गाइस ये ग्राफिक कार्ड लगा के बहुत ज्यादा बूस्ट मिल जाता है आप लोगों को हर गेम में, मैंने जितने गेम खेले अभी तक वो सब बहुत बढ़िया चल रहे थे। और यहाँ पे आप लोगों को एनवीडिया कंट्रोल पैनल भी मिल जाता है जिसमें आप लोग बहुत सारी सेटिंग कर सकते हैं, और अगर आपके 3D ग्लासेस हैं तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, आप लोगों को इसमें फीचर मिलता है। लेकिन 3D ग्लास लगाने के लिए आप लोगों की डिस्प्ले सपोर्टेड होनी चाहिए उसके लिए, तो मेरी डिस्प्ले जो है वो सपोर्टेड है क्योंकि एक टच डिस्प्ले है, आप लोग देख सकते हैं ये टच डिस्प्ले है मेरी, तो ये सपोर्टेड है उसके साथ। तो आप लोग भी अगर आप लोगों के पास भी ऐसी कोई है मॉनिटर जिसमें ये सब चीज़ें हो तो उस पर भी यहाँ पे आप सपोर्टेड हो सकता है, तो आप 3D विजन वाले जो है इसका फीचर वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस बहुत बढ़िया आप लोगों को एक ग्राफिक कार्ड मिल जाता है, इसकी मदद से आप लोग बहुत ज़्यादा अपने गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं, पूरे डबल का अंतर आप लोगों को हर गेम में मिल जाता है, और किसी किसी में तो डबल से भी ज़्यादा आप लोगों का अंतर मिलता है इसकी परफॉर्मेंस से। तो भाई बहुत बढ़िया हमें ये मिल जाता है ग्राफिक कार्ड, तो आप लोग चाहें तो इसे परचेस कर सकते हैं, बहुत बढ़िया आप लोगों को इससे परफॉर्मेंस बूस्ट देखने को मिलेगा, बिल्कुल भी आप लोगों को गेम में लैग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा भाई। तो फिर यही था आज की वीडियो में, अगर आप लोगों को ग्राफिक कार्ड परचेस करना हो तो इसका बाय लिंक आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जहां पे आप लोगों को ये ग्राफिक कार्ड सिर्फ 2500 के अंदर मिल जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं एक और ऐसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।